बच्चा तुहार रेखाएं देख के लागे तो तुहे कुछ बड़ा मिले वाला हो। तब महाराज ये बतावा, सूखा बड़ा मिले कि दही के साथ बड़ा मिले? अरे यार मिंटू, मैंने सुना है कि 50 लड़की रोज तुम्हारा इंतजार करती हैं। तो हाँ यार, तुमने सही सुना है। अरे यार, तुम ऐसा क्या काम करते हो? मैं लड़कियों के कॉलेज का बस ड्राइवर हूँ। अरे डॉक्टर साहब, हमारी एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। Oh, no. डॉक्टर साहब, हमारी शराब छुड़वानी है, छुड़वा देंगे। हाँ बेटा, छुड़वा देंगे। चलिए ना सर, पुलिस ने 20 बोतल पकड़ ली है, छुड़वा दीजिए। का है? कल तुम हमके लाइन मारते रहो ना। हम कब लाइन मारे? झूठ जीन बोलो, कल तुम हमको देख के 3 बार सीटी मारे रहो। अरे माते, तोके देख के सीटी नहीं मारे रहे, वो तो पेट में गैस बन गई रही, वही फुर्र फुर्र बाहर निकलत रही। का हो कुकुर मुत्ते, के हर जात है? हम जात है दिल्ली। काहे यहाँ सब हमें कुकुर मुत्ता कह के चिढ़ावत है? दिल्ली जाबे तो वहाँ सब हमें अंग्रेजी में मशरूम कहिए, मशरूम। देखा भैया, एक बात बताई, तू यूपी में रहा या दिल्ली में, खाए वाले तो के मशरूम ही कहिए और ना खाए वालों के लिए तो कुकुर मुत्ता ही रही बा। बात तो सही है भैया। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हैं क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोन नंबर है भाई। लगाऊं क्या भैया? मुंह से निकल गया भैया, मेरी जबान फिसल गई भैया। फोन मत लगाना भैया, हाय रे मैं मर जाऊं भैया, फोन मत लगाना भैया। बच्चा तुहार रेखाएं देख के लागे तो तुहे कुछ बड़ा मिले वाला हो। तब महाराज ही बतावा, सूखा बड़ा मिले कि दही के साथ बड़ा मिले? चचा, अरे ओ सुअ चचा। का हो पृथ्वी? का तुम नरक मचाए हो चचा? धरती वाले तो तुमसे परेशान हो गए हैं। हम का किए? तनी अपन धूप कम करा चचा, आदमी धूप में काला कपड़ा डालत है तो ओकर रंग उड़ जात है, और गोर मनई धूप में निकलत है तो करिया हो जात है। तनी दिसंबर तक इंतजार कर, कम कई देव धूप। अरे यार मिंटू, मैंने सुना है कि 50 लड़की रोज तुम्हारा इंतजार करती हैं। तो हाँ यार, तुमने सही सुना है। अरे यार, तुम ऐसा क्या काम करते हो? मैं लड़कियों के कॉलेज का बस ड्राइवर हूँ। अरे डॉक्टर साहब, हमारी एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। Oh, no. डॉक्टर साहब, हमारी शराब छुड़वानी है, छुड़वा देंगे। हाँ बेटा, छुड़वा देंगे। चलिए ना सर, पुलिस ने 20 बोतल पकड़ ली है, छुड़वा दीजिए। अरे बच्चा, भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दो। अरे बाबा जी, आपको शर्म नहीं आती? रोड पर बैठकर 1 रुपया मांगते हो? तो क्या बच्चा, तुम्हारे लिए मैं वापिस खोल लूं? देखिए, हमने आपकी लड़की को देख लिया, लड़की हमें पसंद है। अब ये बताइए, शादी कब करना है? अभी नहीं भाई साहब, अभी तो हमारी लड़की पढ़ रही है। अरे हद हो गई, मैं बत्ता थोड़ी हूँ कि उसकी किताबें फालूंगा। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हैं क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोन नंबर है भाई। लगाऊं क्या भैया? मुंह से निकल गया भैया, मेरी जबान फिसल गई भैया। फोन मत लगाना भैया, हाय रे मैं मर जाऊं भैया, फोन मत लगाना भैया। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछा तो कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हम एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर, भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से। अरे बेटा ये बताओ। अरे मास्टर जी पूछो। तो गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है? अरे मास्टर जी वो तो दुकानदार है। सुनो। हाँ। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊँगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है। अरे वो दूध वाले को क्या कहा तुमने? वो बेचारा बेहोश हो गया।
अरे कुछ नहीं, मैंने उसको कहा रोज व्हाइट कलर का दूध ले आते हो, कोई और कलर की गाय नहीं है क्या तुम्हारे पास? बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अरे चिंटू भाई, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे का पता क्या कहती थी। सुनो। सुनाओ जाने मन। कुछ जरूरी बात कहनी है। तो कहो ना डार्लिंग। सबके सामने कहने में शर्म आती है। अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ तो सारे अपने दोस्त हैं। अच्छा कान पास लाओ, कान में बताऊंगी। ए यार तुम लड़कियों के नखरे भी ना। ये लो अब बोलो जाने मन। तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। बहनी तो और मनई का काम करत है? बहनी हमार मनई तो गजल गावत है। तो गजल गाए से तो और घर का खर्चा निकल जात है ना? बहनी गजल गाए से घर का खर्चा तो नहीं निकलत। तब घर का खर्चा कैसे चलत है? अरे बहनी गजल गाए से जो जूता चप्पल इकट्ठा होत है ओके बेच के घर का खर्चा चलत है। आलू टमाटर को पकड़ कर हमारे सामने लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो बे? महाराज हम टमाटर को पकड़ लाए हैं। टमाटर तुझे बहुत घमंड था अपनी अमीरी पर, आज तुझे ये मानना पड़ेगा कि टमाटर अब 20 रुपए किलो फिर से बिकने लगा है। नहीं मैं नहीं मानूंगा। आलू टमाटर को बांध कर डाला जाए। चल अब बोल, आलू 10 रुपए किलो जिंदाबाद। आलू 10 रुपए किलो जिंदाबाद। चल अब बोल, प्याज 20 रुपए किलो जिंदाबाद। प्याज 20 रुपए किलो जिंदाबाद। चल अब बोल, टमाटर 250 रुपए किलो मुर्दाबाद। नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा। आपका आलू 10 रुपए किलो जिंदाबाद है, उससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा टमाटर 250 रुपए किलो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। चाचा, अरे ओ सुन चाचा। का हो पृथ्वी? का तुम नरक मचाए हो चाचा? धरती वाले तो तुमसे परेशान हो गए हैं। हम का किए? तनी अपन धूप कम करा चाचा। आदमी धूप में काला कपड़ा डालत है तो ओकर रंग उड़ जात है, और गोर मनई धूप में निकलत है तो करिया हो जात है। तनी दिसंबर तक इंतजार कर, कम कई देव धूप। का हो कुकुर मुत्ते, के हाल जात है? हम जात है दिल्ली। काहे यहाँ सब हमें कुकुर मुत्ता कह के चिढ़ावत है? दिल्ली जाबे तो वहाँ सब हमें अंग्रेजी में मशरूम कहिए, मशरूम। देखा भैया एक बात बताई, तू यूपी में रहा या दिल्ली में, खाए वाले तो के मशरूम ही कहिए और ना खाए वालों के लिए तू कुकुर मुत्ता ही रही। बात तो सही है भैया।